और एक फिल्म हमारी आ रही धर्मा, वो भी पवन जी के साथ, और इसके बाद आ रही राजा की आएगी बारात, खेसारी जी के साथ है। अभी मैं एक फिल्म शूट करके आया खेसारी जी के साथ, बोल राधा बोल, जिसको जो चाहे वो कहे, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं और ऐसे हमेशा रहे। जहाँ तक पवन जी की बात है, वो तो मुझे बहुत मानते हैं। आप जिसके साथ सिनेमा कर रहे हो तो लगातार उसी के साथ कर रहे हो, तो लोग लगता है कि अरे देखो यार चमचाई शुरू कर दिया। दर्शक तो बहुत भोले होते हैं, उनको जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा तो यूट्यूबर वाले हैं ना, यूट्यूबर वाले अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उनके बारे में बुराई, उनके बारे में बुराई, उनके बारे में शिकायत। हम लोग कॉमेडियन है, जैसे हम लोग का सिनेमा में हनुमान जी का रोल होता है, तो हनुमान जी कहाँ रहेंगे, राम जी के पास 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 रहेंगे। तो हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है UNN मीडिया पे, और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। वैसे तो हम दोनों लोग शादी के मंडप बैठे हैं, और आप तो इन्हें जानते ही हैं, ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार संजय वर्मा जी। वैसे तो बहुत ज़्यादातर ये मुझे कॉमेडी करते दिख रहे हैं, और आज तांत्रिक के रोल में भी है, और हम दोनों मंदिर नहीं, क्या सर, मंडप में बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए नहीं है कि मतलब ना इनकी शादी हो रही है ना मेरी हो रही है, हम दोनों बस यहाँ बैठे हैं। सोचा कि बहुत दिनों बाद सर मिले तो थोड़ा सा बातें हो जाए। तो सर सबसे पहला तो यही सवाल है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को संजय वर्मा का नमस्कार। बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं सर। जी जी। सर आप फ्री कब होते हैं? देखिए क्या है, बहुत डिमांड में नहीं, इसी दिन का तो हर इंसान को इंतजार होता है। बहुत कलाकार को क्या चाहिए, सही बात है, काम चाहिए, और इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, कम से कम नहीं 10-12 साल स्ट्रगल तो किए ही हैं, तब जाके ये मुकाम मिला है। बस आप लोग का प्यार है, काम चल रहा है। ज़्यादातर आपको कॉमेडी सीन ही मिलते हैं जी, तो ऐसा क्या होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देख आपको हंसी आती है कि उनको हंसी आती है कि नहीं भैया ये तो, लेकिन ऐसे पर्सनल लाइफ में उतने चिल नहीं रहते हैं आप? मैं जब जब सीरियस रहते हैं, जब आई कॉन्टेक्ट होता है सर हंस देते हैं, वो बात अलग है। नहीं देखिए क्या है, स्क्रीन तो हंसते रहते हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक बचा के रखते हैं। हाँ, आम जीवन में नहीं हंसते हैं, इसलिए कि स्टॉक बचा रहेगा तो भी तो स्क्रीन पे हंसाएंगे। और रही बात कॉमेडी की, तो क्या है ना, मेरा शुरू से एक रहा कि मैं मुझे हीरो बनना है, तो हीरो तो नहीं बन पाया, तो कॉमेडियन जो है ना अपने आप में एक हीरो होता है, तो इसीलिए मैं कॉमेडी छोड़ता नहीं हूँ। सर ये बाल कैसे चले गए आपके? गए कहाँ, भी आए ही नहीं तो चले कहाँ गए बताइए। जस्ट सर अभी 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 जस्ट 15वां क्रॉस किए हैं, 15वां क्रॉस किए, 16वां जाने वाले हैं। अब बाल भी धीरे धीरे आ रहे हैं, आधे इधर आ गए, इधर आ गए, बीच में बचा हुआ है, वो भी आ जाएगा। अभी देख रहे हैं दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है। नहीं, सर चट है। वैसे मैं बता दूं कि सैया जादूगर के फिल्म के सेट पे हैं, और ये मंडप तैयार हुआ है, और यहाँ पे अभी शादी होगी, किसकी होगी हमें, हम दोनों को नहीं पता है, लेकिन खूबसूरत लोकेशन था तो सोचा इंजॉय किया जाए और बात किया जाए। तब संजय जी, ये इस प्रोजेक्ट के अलावा आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? जी अभी आने वाला है, यही हम लोग जौनपुर में शूट किए थे, मेरा भारत महान। बहुत अच्छा ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ, मुझे लग रहा है एक हफ्ता हुआ ट्रेलर आए हुए, और सच में उसमें मैं फ़ैन हो गई पवन जी और रवि जी का, रवि जी का वो पुलिस वाला कैरेक्टर और पवन जी का भगत सिंह का कैरेक्टर, सो दोनों ही काफ़ी जच रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, और उसको डायरेक्ट किया है देवेंद्र तिवारी जी ने, जो हमारे इंडस्ट्री के बेहतरीन कैमरा मैन हैं। और एक फिल्म हमारी आ रही धर्मा, वो भी पवन जी के साथ है, उसके डायरेक्टर हैं अरविंद चौबे जी, DRJ म्यूजिक ने उसको बनाया है, वो कंपनी बनाई है। और इसके बाद आ रही राजा की आएगी बारात, खेसारी जी के साथ है। अभी मैं एक फिल्म शूट करके आया खेसारी जी के साथ, बोल राधा बोल, और सैया जादूगर के सेट पे हैं ही हम लोग। और इसके बाद मैं यहाँ से फिर जाऊँगा, पवन जी की फिल्म है हर हर गंगे जी, शूटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है। और एक वहीं पर एक रितेश जी की फिल्म है प्रजातंत्र समथिंग ऐसे कुछ, तो अभी कल्लू जी की शूटिंग करके आया था राज, तो ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग का प्यार है बस। अभी मिलने वाले नहीं है हमें नहीं नहीं नहीं, आप लोग से नहीं मिलेंगे तो जाएंगे कहाँ, तो लोकेशन बहुत खूबसूरत है यहाँ का। खैर अब आते हैं संजय जी पे। संजय जी आप इतना व्यस्त रहते हैं, और हर स्टार के साथ आपकी अच्छी बनती है, अभी आपने बताया पवन जी के साथ फिल्म आ रही है, खेसारी जी साथ आ रही है, रितेश जी के साथ भी आ रही है, दिनेश जी के साथ आ रही है, हर स्टार के साथ काम करते हैं, लेकिन एक नाम आपका विवाद के चक्कर में भी बहुत आता है। वैसे तो हम अपने चैनल पे कंट्रोवर्शियल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि बोलता कुछ और है लेकिन ब्लेम सारा संजय जी पे जाता है, करता कोई और है लेकिन इल्ज़ाम संजय जी पे लगता है, तो संजय जी दोस्ती निभाते हैं कि संजय जी सच में जिम्मेदार होते हैं? नहीं नहीं, प्यार है, लोगों का प्यार है, और जिसको जो चाहे वो कहे, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं
और ऐसे हमेशा रहेंगे, ऐसे हमेशा रहेंगे, मतलब ये सारे जो इल्ज़ाम हैं वो गलत हैं। अब देखिए लोगों का तरीका है, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि आपका, क्योंकि पवन जी से बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बड़े भाई की तरह मानते हैं, वो भाई की तरह मानते हैं, तो ये चीज़ें लोगों को खटकती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं? हो सकता है, अपना अपना सोच है, लेकिन जहाँ तक पवन जी की बात है वो तो मुझे बहुत मानते हैं, सारे लोग मुझे मानते हैं, लेकिन पवन जी का एक अलग प्यार है, अलग लगाव है, सब लोग मानते हैं, चाहे खेसारी जी हों, चाहे दिनेश जी हों, जो अपने छोटे भाई हैं काय, वो लोग भी सब लोग प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग क्या होता है कि जिसे देखो, आप जिसके साथ सिनेमा कर रहे हो तो लगातार उसी के साथ कर रहे हो, तो लोग लगता है कि अरे देखो यार चमचा ही शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो करेक्टर एक्टर हैं, हमको जिसके साथ काम मिलेगा हम करेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना, दो तीन ग्रुप बट गए हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपका नाम भले पवन जी के साथ जुड़ता है लेकिन आप सबके साथ काम कर रहे हैं, फिर भी मैं पूछती हूँ कि सर क्या आप भी किसी ग्रुप का हिस्सा हैं? नहीं नहीं, देखिए लोग, अब क्या बोलूँ, पता नहीं लोगों क्या मानना है, पवन जी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप उनकी फिल्में ना करो, वो करो, तो एक प्यार होता है, वो भी चाहते हैं कि हर, भाई हम करेक्टर एक्टर हैं, तो हमारा काम फिल्म में 10 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, तो हम तो चाहेंगे भाई, और अगला हमारा को एक्टर भी चाहता है कि आप सबके साथ काम करो, मिलजुल के रहो, इंडस्ट्री को बढ़ाओ आगे। ऐसा तो है नहीं कि हम उनके साथ करें उनके साथ नहीं करेंगे, लगभग लगभग कलाकार सबके साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों की मेंटेलिटी है कि वो उनका है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक तरह से भ्रम है जो दर्शकों के आंखों में झोंका गया है। नहीं, दर्शकों का आंखों में झोंका नहीं गया है, लोगों ने अपनी मन, देखो वो तो बना रहे हैं, दर्शक तो बहुत भोले होते हैं, उनको जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा तो यूट्यूबर वाले हैं ना, यूट्यूबर वाले अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उनके बारे में बुराई, उनके बारे में बुराई, उनके बारे में शिकायत। चलिए, तो बात रही यूट्यूबर की, क्या हुआ सर? बस एक मिनट सर, ये तो बात रही यूट्यूबर की, लेकिन एक दो ऐसे नामचीन कलाकार हैं, छोटे मोटे नहीं, नामचीन, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर वो किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ करते हैं तो पवन जी उनको अपनी फिल्म में नहीं लेते हैं। झूठ बोलते हैं इस बात से? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो भाई, हो सकता है किसी के साथ हुआ हो, ऐसा तो मैं कभी सुना नहीं है ना देखा नहीं, नहीं देखा नहीं। खैर अच्छी बात है, खैर मेरा भारत महान के बारे में बात करते हैं, बहुत हो गई सब बातें, अच्छी बातें करते हैं, इसमें आपका क्या कैरेक्टर है, हमें किस नया रूप में देखने की, ऐसी कॉमेडी हंसाते हुए देखने को? नहीं देखिए, कैरेक्टर जो होता है कॉमेडी ही है, लेकिन क्या है कि सैड उसके अलग होते हैं, जैसे इसमें मैं तांत्रिक हूँ, है कॉमेडी ही लेकिन सैड अलग है, तो उसमें भी सैड अलग है लेकिन है कैरेक्टर कॉमेडी का। उसमें किसके करीब है, पवन जी या रवि जी? सर अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही आपको फंसा रहे हैं, दुनिया क्या बोले। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए हम लोग कॉमेडियन हैं, जैसे हम लोग का सिनेमा में हनुमान जी का रोल होता है, तो हनुमान जी कहाँ रहेंगे, राम जी के पास पास रहेंगे, तो हम लोग का वही काम होता है। वाह क्या बात है, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर बता दो, इनका शूट लगा हुआ है तो इनको फ्री करते हैं, फिर मिलेंगे इनके अगले फिल्म के सेट पे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी फिल्म में है, तो मैं तो वहाँ पहुँचने वाली हूँ, आप सबको लेकर वहाँ जाऊँगी, क्या बोलते हैं सर? हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं इसे देते रहिए, और किसी के बहकावे में ना आए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने भाई पे प्यार लुटाते रहिए, और ऐसी ये फिल्में करते रहें। जी जी, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।